भारत में कई ऐसी जगहें भी हैं जहां फिरंगियों को तो एंट्री मिल जाती है, लेकिन भारतीयों के लिए वहां जाने पर पाबंदी लगाई गई है। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की 5 ऐसी जगहें जहां भारतीयों को नहीं मिलती है एंट्री। 1. बैंगलोर का यूनो इन होटल। साल 2012 में निपोन इंफ्रास्ट्रक्चर ने बैंगलोर में यूनो इन नाम के इस होटल का निर्माण किया था, जिसका मकसद जापानियों को उनकी पसंद का खाना मुहैया कराना था। हालांकि शुरुआती दौर में इस होटल में भारतीयों के आने पर पाबंदी नहीं थी, लेकिन साल 2014 में हुए कुछ हादसों के बाद से यहां भारतीय के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। 2. हिमाचल प्रदेश का फ्री कसोल कैफे। हिमाचल प्रदेश के कसोल में बने फ्री कसोल कैफे में विदेशियों को एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन भारतीयों को इस कैफे में आने की इजाजत नहीं है। बताया जाता है कि इस कैफे में पासपोर्ट दिखाने के बाद सिर्फ विदेशियों को ही एंट्री दी जाती है, जबकि भारतीयों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। 3. चेन्नई का ब्रॉडलैंड्स होटल। दक्षिण भारत के चेन्नई में स्थित ब्रॉडलैंड्स होटल पहले हाईलैंड्स के नाम से मशहूर हुआ करता था। इस होटल में भारतीयों के आने पर पाबंदी लगाई गई है। आपको बता दें कि पहले ये होटल एक क्षेत्रीय राजा की रियासत में हुआ करता था, लेकिन अब इस होटल में पासपोर्ट दिखाने पर सिर्फ विदेशियों को ही एंट्री दी जाती है। 4. गोवा का फॉरेनर्स ओनली बीच। गोवा के मस्त समंदर में मौज मस्ती करने के लिए साल भर सैलानियों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन यहां कई ऐसे बीच हैं जहां भारतीयों को एंट्री नहीं दी जाती है। दरअसल इस बीच पर आने वाले विदेशी अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जिसे देखकर भारतीय असहज महसूस करते हैं, इसलिए उनके यहां आने पर पाबंदी लगाई गई है। 5. पुदुचेरी का फॉरेनर्स ओनली बीच। यूं तो पुदुचेरी अपने खूबसूरत बीचों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहां के फॉरेनर्स ओनली बीच पर भारतीयों को एंट्री नहीं दी जाती है। यहां के बीच प्रकृति प्रेमियों को खासा आकर्षित करते हैं, लेकिन फॉरेनर्स ओनली बीच पर सैर सपाटे का असली मजा सिर्फ विदेशी ही उठा पाते हैं, क्योंकि भारतीयों के लिए यहां एंट्री नहीं है। वाकई यह जानकर हैरानी होती है कि भारत में स्थित इन 5 जगहों पर विदेशी सैलानी तो बेरोक टोक आ सकते हैं, लेकिन यहां रहने वाले हिंदुस्तानियों को ही यहां जाने की अनुमति नहीं है।